अरे दोस्तों, मैं सनगौर। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लड़की आपसे इंप्रेस नहीं हो रही है उसे कैसे बताएं। तो आज की वीडियो से जा देखते हैं दोस्तों। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस इंसान को पसंद करते हैं, ठीक है, उस इंसान के दिल में हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। वो इंसान हमारे लिए कुछ भी फील नहीं करता है। तो वो बात आती है कि अब उसके दिल में अपने लिए फीलिंग कैसे लाएं, कैसे उसके इंटरेस्ट को बढ़ाएं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि अगर कोई लड़की है जो आपसे इंप्रेस नहीं हो रही है, उसके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो आप उसे कैसे इम्प्रेस कर सकते हो, कैसे उसे पढ़ा सकते हो, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप किसी लड़की को पसंद करने लगते हो तो उस लड़की को एक तरह से इम्प्रेस करने के पर्पज से नहीं, बल्कि उस लड़की से दोस्ती करने के पर्पज से बात करें। क्योंकि जब आप लड़की से बात करते समय अपने माइंड में ये चीज रखेंगे ना कि आपको उस लड़की को इम्प्रेस करना है, तो 99% चांस होंगे कि लड़की कभी भी आपसे इंप्रेस नहीं होगी। क्योंकि लड़कियों का जो सिक्स सेंस होता है ना, वो आपसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो आपकी बातों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएंगी कि आप उसे इंप्रेस करना चाहते हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो और इसी वजह से वो इंप्रेस नहीं होती है। तो अपने जब भी आप उससे बात करें ना, तो आप उसे इंप्रेस करने के पर्पज से नहीं, बल्कि उसे एक तरह से दोस्ती करने के पर्पज से बात करें। तो जब आप उसे दोस्ती के लिए ऑफर करेंगे तो चांस है कि लड़की जो है आपकी दोस्ती को एक्सेप्ट करेगी, आपकी दोस्त बनना पसंद करेगी। अगर वो लड़की आपकी दोस्त बनना पसंद कर ले तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है उस लड़की के दिल में जगह बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज आप इस बात का ध्यान रखें कि इम्प्रेस करने के पर्पज से नहीं, बल्कि दोस्त बनाने के पर्पज से उससे बात करने की कोशिश करें या उसे अप्रोच करें। इसके अलावा दूसरी बात जो ध्यान रखनी है कि अपनी बातों का जो सिलसिला है, धीरे धीरे जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसा मत करें कि एक दिन आपने उससे बात कर ली, फिर 3-4 दिन गैप कर लिया, फिर 5वें दिन बात कर रहे हो। नहीं, कंटिन्यू, मतलब जिस तरह से कंटिन्यू हम एक तरह से कोई काम करते हैं ना, वो चीज करनी है कि जिससे उस लड़की को आपकी आदत लगने लगे। एक पर्टिकुलर टाइम पे उसे आपकी एक तरह से आपसे बात करने की आदत लग जाए, तो वो चीज करनी है। मतलब धीरे धीरे अपनी बातों को आगे बढ़ाना है। एक दिन बात करी, ठीक है, फिर एक दिन नेक्स्ट डे फिर से बात करने की कोशिश करें। मतलब बेशक 5 मिनट ही करें, लेकिन कंटिन्यू बात जरूर करें। ऐसा करने से उस लड़की को आपकी आदत लगने लगेगी, तो चांस होंगे कि वो कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्ट दिखाने लगे। इसके अलावा तीसरी बात जो ध्यान रखनी है कि आप उसकी हंसी की वजह बनने की कोशिश करें। दोस्तों देखो, ज्यादातर लोगों का नेचर क्या होता है कि लोग हंसी की नहीं, दुख की वजह बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब आप लड़की की हंसी की वजह बनने की कोशिश करेंगे, उसको आप उस जब भी उसके साथ रहेंगे, वो हमेशा आपके साथ खुश रहेगी, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड जो है आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेगा। वो आपके बारे में ज्यादा सोचने लगेगी कि जब वो आपके साथ होती है तो आप हमेशा उसे एक तरह से खुश रखते हो, ठीक है, हंसाने की कोशिश करते हो, वो आपके साथ बहुत अलग फील करने लगती है। तो उसके दिमाग में ना ये सारी बातें चलेगी, तो इससे काफी हद तक चांस है कि वो आपको पसंद करने लगे या आपसे इम्प्रेस हो जाए। इसके अलावा अगला काम कि आप उससे बात करते समय और लड़कों से अलग बिहेव करें। मतलब उसके ग्रुप में जो लड़के हैं या आपको लगता है कि वो और लड़कों से बातचीत करती है, तो उन लड़कों के साथ रहकर उनको ऑब्जर्व करें कि वो लड़के उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है, और आप उससे बिल्कुल अलग करें, ठीक है। तो जब आप बिल्कुल अलग बिहेव करेंगे तो आपका बिहेवियर वो और उससे अलग दिखेगा, तो भी चांस है कि लड़की जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।